फतेहाबाद से हमारे संवाददाता दिवांशु ने भी मतदान प्रक्रिया का जायजा लिया। आज हरियाणा में लोकतंत्र का महापर्व है। आज हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। फिलहाल हम फतेहाबाद विधानसभा के एक पोलिंग बूथ पर मौजूद है। आपको दिखाना चाहूंगा कि सुबह सुबह बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, और सुबह 7 बजे से ये मतदान शुरू हो चुका है। और हरियाणा विधानसभा की बात करें तो इस बार करीब 1,80,00,000 मतदाता इस विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेंगे। इसके साथ साथ 1,150 से ज्यादा जो उम्मीदवार हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना जरूरी समझते हैं ये मतदान करना, क्योंकि मतदान जो होता है वो लोकतंत्र का महापर्व होता है। और कहीं ना कहीं तमाम जो पार्टियां हैं वो भी वोटरों से अपील करती हैं। इलेक्शन कमीशन खुद अपील करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर निकलिए और अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। और यही वजह है कि सुबह सुबह लोग जलपान से पहले यहाँ पर पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, और खासकर जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। सुबह सुबह का वक्त है, आप देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं, और बुजुर्गों की बात करें तो वो भी काफी उत्साहित हैं। सामने आपको दिखाना चाहूंगा कि तमाम जो बुजुर्ग हैं वो भी लगातार मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, और इनसे ये भी जानेंगे कि आखिर ये अपने नए विधायक से क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि हरियाणा में काफी मुद्दे हैं, काफी समस्याएं हैं, और लोग क्या सोचते हैं कि कौन उनका विधायक बनेगा और क्या कुछ इश्यूज रहेंगे। ये बताइए बाबा कि कितना जरूरी समझते हैं मतदान, क्योंकि सुबह सुबह आप यहाँ पर आए ऐसे है जी। लेकिन ये जो चलान कट रहे हैं, लोग गरीब आदमी उनके पास मोटरसाइकिल है, लेकिन ये चलान नहीं कटने चाहिए। ठीक है, पहले अगर जो कोई मर पड़ गया अगर मोटरसाइकिल लेता है उसके चलान कट जाता है 28,000 रुपए का चलान कटता है ये, लेकिन गलत है ये बात है। और क्या कुछ उम्मीद करते हैं अपना नए विधायक? उम्मीद तो सही है सारा कुछ, बस यही है काला धन छोड़ रखा, कर छोड़ रखा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा आपको लगता है? ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, गरीब बंदा मारा जाता है, वो आयुष्मान योजना की कोई समस्या नहीं, गणों की कोई समस्या नहीं। बिल्कुल, आप बताइए, आप कुछ बता रहे थे, नई सरकार बनती है तो क्या उम्मीद करते हैं सरकार? अच्छे दिन आएंगे जी, अच्छी उम्मीद है, देश का भला होगा, हरियाणा तरक्की पे है, लाइट की कोई समस्या नहीं है, 24 घंटे लाइट होगी, ना पानी की समस्या, हमारे ईवी अच्छे रोजगार आगे उम्मीद मिलेगी, नई सरकार आएगी, उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, विकास के नाम पर वोट दिया जाएगा, हम विकास के नाम पर वोट देंगे। कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, मैं भी बात कर रहा था तो ये भी काफी उत्साहित नजर आएंगे। ये बताइए कि इस बार वोट देने जा रहे हैं, क्या मुद्दे दिमाग में हैं, समस्या होगी इलाके की, समस्या होगी, क्या सोचकर वोट दे रहे हैं और कितना जरूरी समझते हैं वोट? कोई राशन कार्ड नहीं, कोई पेंशन नहीं, बंद रही, हम काम कर लोगे थोड़ी रह रहे हैं भाई, यही समस्या है जी, गरीब मानस यही समस्या है, हम तो संसार के गला लाग रहा, चल कोई बन जावे। तो बिल्कुल अम्मा, वोट देना काफी जरूरी है, मानते हैं? हाँ जी, जरूरी है वोट देना, पैरों में दिक्कत है लेकिन फिर भी वोट देने आ रहे हैं, तो काफी जरूरी समझते हैं वोट? हाँ जी, वोट देने आ रहे हैं, गरीब पीछे तो कमजोरी दूर करो हमारी, कोई तो बिल्कुल है, सबकी अलग अलग उम्मीद है, सबकी अलग अलग समस्याएं हैं। और पिछली बार की बात करें तो करीब 76% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार देखना यही होगा कि आखिर हरियाणा का जो वोटर है वो कितना वोट देता है, और इस बार क्या वोट प्रतिशत पिछली बार के मुकाबले ज्यादा होता है या फिर नहीं। हालांकि इलेक्शन कमीशन लगातार अपील कर रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर निकलिए और वोट का इस्तेमाल कीजिए, और हम भी आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप अपने घर से बाहर निकलिए और अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। कैमरामैन चंद्रशेखर के साथ दिवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज, फतेहाबाद।